नमस्ते सस्रीकाल जी, मैं गौरी चुगानी तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में ब्लिसफुल यू एंड माइंड। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है रक्षाबंधन स्पेशल चोको फज चॉकलेट्स की। एस दोस्तों, रक्षाबंधन पास में आ रहा है साहब। ये तो एक ऐसा त्यौहार है जो कि एक प्यार के बंधन को दर्शाता है भाई और बहन के बीच, और हमारी बचपन की यादों को तरोताज़ा कर देता है। दोस्तों, ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें एक सुरक्षा का बंधन तो होता ही है, प्लस जो भाई बहन दूर हैं उनकी आंखों में बहुत ही नमी देखे जाता है। बट दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खुशियों का हैम्पर। जब आप ये अपने भाई या बहन को देते हैं तो ज़रूर से एक बड़ा सा स्माइल उनके फेस पर आ जाता है। सो आइए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाते हैं ये चोको फज चॉकलेट्स। मगर दोस्तों, इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, उसके बाद बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो दोस्तों, पहले हम बनाएंगे चॉकलेट्स की इनर फिलिंग। यहाँ पे मैंने पैन रख लिया है और इसमें आप देख रहे होंगे ये मैंने डार्क चॉकलेट ले लिया है और मैंने ले लिया है मिल्क मेड। डार्क चॉकलेट मैंने ले लिया है हाफ कप जितना, और मिल्क मेड जो मैंने लिया है वो है 1/4 कप से थोड़ा सा कम। अब आपने इसे अच्छे से सेक लेना है जब तक आपका ये देखिए चॉकलेट मेल्ट होना शुरू नहीं हो जाता। अच्छे से चॉकलेट जब आपका मेल्ट हो जाएगा तो थोड़ी सी देर बाद, नियर बाय 2 to 3 मिनट्स के बाद, ये आपका चॉकलेट थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका चॉकलेट थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा तब आपने गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे ये मेरा जो चॉकलेट है धीरे धीरे थिक हो रहा है। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो भी आप अभी चॉकलेट आप जो सेक रहे हैं उसको ज़्यादा नहीं सेकें, अगर आप ज़्यादा सेकेंगे तो ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। सो साहब, ये देखिए 2 to 3 मिनट्स हो चुके हैं, मेरा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है, हल्का थिक हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और यहाँ देखिए स्लैब पे मैंने निकाल लिया है। अब इसको इस तरीके से घुमाते घुमाते मैं थोड़ा ठंडा कर रही हूँ, या आप चाहें तो 10 मिनट्स तक आप इसको रेस्ट करने देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा और काफ़ी थिक हो जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं, और ये देखिए जैसे ही थोड़ी सी कूलिंग हुई है हमारा चॉकलेट अच्छे से सेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये हमारा चॉकलेट फज है, ये सेट हो चुका है। अब आपने इस तरीके से बॉल्स बना लेनी है छोटी छोटी। ये छोटी छोटी जो बॉल्स होंगी ना, हम एज़ यूज़ करेंगे इनर फिलिंग के फॉर्म में। दोस्तों, चॉकलेट्स जो बनते हैं वो प्लेन भी बनते हैं, मींस मेल्ट करके आप उसको डिफरेंट शेप्स में डाल दें, बट जब आप इनर फिलिंग जो होती है वो चॉकलेट फज की रखते हैं, बहुत ही अमेजिंग चॉकलेट्स रेडी होते हैं। सो देखिए, यहाँ पे मैंने ये सारी बॉल्स रेडी कर ली हैं अच्छी से। अब ये है मेरा मिल्क चॉकलेट कंपाउंड और ये है डार्क चॉकलेट कंपाउंड, दोनों मैंने ले लिए हैं हाफ कप जितने। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। ये देखिए यहाँ पे है सिलिकॉन चॉकलेट माउल्स हैं ये। एक्चुअली अगर आप मार्केट में देखने जाएंगे आजकल बहुत सारे मींस मोल्ड्स अवेलेबल हैं, बट मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी जो प्लास्टिक के जो आते हैं मोल्ड्स वो बिल्कुल मत लीजिएगा। ये जो सिलिकॉन मॉल्स हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, एज इसमें इजी हो जाता है चॉकलेट्स को बाहर निकालना। सो यहाँ पे देखिए, जो हाफ कप मैंने आपको मिल्क चॉकलेट कंपाउंड दिखाया था वो है, मैंने इसको मेल्ट कर लिया है ओवन में डाल के नियर बाय 2 to 3 मिनट्स तक। सो यहाँ पे देखिए अपना हमारा ये जो मिल्क चॉकलेट कंपाउंड है मेल्ट हो गया है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको अपनी ये जो चॉकलेट ट्रे है उसको फिल करना है। सो थोड़ा थोड़ा करके आपने इस तरीके से डालना है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि हम लोग इसमें पहले थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्यों डाल रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये मोस्टली मेरे सारे चॉकलेट शेल्फ्स में मैंने ये थोड़ा थोड़ा ऐड कर लिया है। थोड़ा थोड़ा जो चॉकलेट कंपाउंड ऐड करने का रीज़न यही है, मींस हम इस चॉकलेट जो बाहर हमारा जो कवर होता है, टॉप कोट होता है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। मींस जो चॉकलेट जैसे ही आप पकड़े साफ टूटना नहीं चाहिए। सो आपने क्या करना है, ये जो चॉकलेट शेल्फ्स हैं उसमें देखिए थोड़ा थोड़ा सा चॉकलेट डाल के और इस तरीके से ये चॉकलेट को फैला लेना है। सो ये हमारी हुई फर्स्ट कोटिंग। सो दोस्तों, वन बाय वन देखिए इस तरीके से ब्रश की हेल्प से मैं सारी जगह पर ये कोटिंग को फैला रही हूँ, मीन्स जो चॉकलेट है उसको फैला रही हूँ, ताकि क्या होगा, हमारे जो चॉकलेट का टॉप क्रस्ट है वो थोड़ा सा अच्छे से सेट रहेगा, मीन्स स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो दोस्तों देखिए, ये सारे जगह पे मैंने कवर अप कर लिया है, मीन्स फर्स्ट कोट लगा लिया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 5 to 10 मिनट सेट होने के लिए। सो दोस्तों, इसी तरीके से ये दूसरा मोल्ड था हार्ट का, उसमें भी मैंने फर्स्ट कोटिंग कर ली है चॉकलेट की। चलिए अब इसे भी सेट होने रख देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट वाला मोल्ड था, आप देख रहे हैं ये चॉकलेट जो हमारा क्रस्ट है वो हार्ड हो चुका है। ये थी हमारी फर्स्ट कोटिंग। अब आपने करनी है सेकेंड कोटिंग।
मीन साहब वही सेम प्रोसीजर है, आपने क्या करना है, मिल्क चॉकलेट कंपाउंड लेना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है और उसके बाद ब्रश से उसे फैला लेना है सारी तरफ से, देन ठंडा करने के लिए रख देना है फ्रिज में। सो देखिए यहाँ पे मैंने ब्रश ले लिया है और इसी तरीके से गोल घुमाते घुमाते सारे एरिया को कवर अप करते हुए आपको ये सारे जो शेल्फ्स हैं मोल्ड के उसको कवर अप कर लेना है, मींस सेकंड कोट कर लेना है। सो दोस्तों देखिए ये मेरा सेकंड कोट रेडी हो चुका है। अब चलिए इसे भी 10 मिनट्स हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। वापस ये देखिए हार्ट वाला है जिसके ऊपर हमने फर्स्ट कोट करा था, अब इसमें भी हम सेकंड वाला कोट कर लेंगे। सो वही प्रोसीजर रहेगा सेम जैसे हमने पहले किया था, मींस जो चॉकलेट है उसको ब्रश से आपको फैला लेना है, देन ठंडा करने रख लेना है। सो दोस्तों देखिए इस मोल्ड पे भी हमने सेकंड कोट कर लिया है, चलिए फटाफट से सेट करने के लिए फ्रिज में रख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हाफ कप जितना मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है उसे 2 to 3 मिनट ओवन में रख के अच्छे से मेल्ट कर लिया है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फटाफट से मेल्ट हो जाता है। यहाँ तो आप चाहें डबल बॉयलर मेथड जिसमें आप नीचे गर्म पानी रखकर उसके ऊपर ये कांच का बाउल रखेंगे तभी भी ये चॉकलेट आपका बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है, बट मुझे ओवन का प्रोसेस बहुत ईजी लगता है सो आई यूजली प्रेफर दैट। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे होंगे ये हमारा फर्स्ट वाला मोल्ड है जो हमने सेट करने के लिए रखा था। अब उसमें आपने जो चॉकलेट फज की बॉल्स हमने रेडी करी थी वो अच्छे से सेट कर लेनी है वन बाय वन। ये देखिए इस तरीके से डालते जाना है, हल्का प्रेस कर लेना है। अब बॉल्स की साइज़ जो है ना वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं, आप चाहें तो चॉकलेट फज थोड़ा डाल सकते हैं, आप चाहें तो चॉकलेट फज थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं थोड़ा अच्छे अमाउंट में डाल रही हूँ बिकॉज काफ़ी अच्छा बनता है चॉकलेट बॉस। सो दोस्तों देखिए चॉकलेट फज मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, अब बारी आती है ये जो डार्क चॉकलेट है हमने मेल्ट किया था वो आपको हल्के से बिल्कुल थोड़े अमाउंट में चम्मच में लेना है और धीरे धीरे करके डालना है। सो दोस्तों मोल्ड में एक शेल्फ का जितना स्पेस है आपको अच्छे से वो पूरा स्पेस फिल कर देना है। ये देखिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और अच्छे से जो भी मोल्ड में स्पेस है उसको फिल कर दे रही हूँ। साहब ये वाला जो थोड़ा सा प्रोसेस रहता है ये लिटिल ट्रिकी रहता है बिकॉज हमारा चॉकलेट थोड़ा सा लिक्विड भी है प्लस विस्कस भी होता है, थोड़ा सा होता है लिटिल अनटाइडीनेस हो जाता है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी चॉकलेट्स बन के निकलेंगे ना फॉर श्योर बहुत ही क्लीन एंड टाइडी वे में आपकी चॉकलेट्स बहुत अच्छी दिखेंगी। सच कहूँ तो बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ईजी वे में ही आपके बहुत ही अमेजिंग से चॉकलेट रेडी हो जाते हैं। सो दोस्तों देखिए मैंने अच्छे से चॉकलेट फिल कर दिया है, ये थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा है मगर साहब घबराने वाली बात कुछ नहीं है, आप इस तरीके से थोड़ा सा है ना हाथ से फिंगर से क्लीन कर सकते हैं। चलिए आप अब इसे 10 मिनट्स ठंडा होने के लिए रखिए। ये देखिए ये हमारा था सेकंड मोल्ड, हार्ट वाला मोल्ड, तो उसमें भी हम वही काम करेंगे। मींस आपने चॉकलेट फज वन बाय वन ये सारे जो मोल्ड के सेक्शंस हैं उसमें आपको डाल लेना है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, मींस दो पहले आपको कोटिंग करनी है, देन उसके बाद आपको चॉकलेट फज डालना है एंड देन थर्ड जो आता है वो आता है टॉप लेयर जो आपकी होगी वो आपको चॉकलेट से कवर कर देनी है। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए चॉकलेट फज मैंने सारे सेक्शंस में डाल दिया है, अब बारी आती है भाई साहब चॉकलेट डालने की। ये देखिए थोड़ा सा चम्मच में आपने लेना है, इस तरीके से टॉप कोट पे आपको अच्छे से चॉकलेट फिल कर देना है। बहुत ही ईजी रेसिपी है साहब, आप चुटकियों में बना सकते हैं ये तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, आप अपने इस बार रिश्तेदारों को बहुत खुश करने वाले हैं। और हाँ अगर आपके भाई या बहन या जिसको भी आप ये गिफ्ट्स देते हैं अगर उन्हें बहुत अच्छा लगता है बहुत खुशी होती है तो साहब एक छोटा सा काम ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा दैट दे गॉट हैप्पी। अब दोस्तों ये चीज़ आप पे है, जो ये आप टॉप कोट डाल रहे हैं वो अभी आप डाल रहे हैं मिल्क चॉकलेट कंपाउंड, आप चाहें तो ये टॉप कोट जो है डार्क चॉकलेट कंपाउंड है उसकी भी फिलिंग कर सकते हैं, वाइट चॉकलेट कंपाउंड है उसकी भी फिलिंग कर सकते हैं। साहब ये टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जो चॉकलेट्स आपने पसंद है वो आप उसकी फिलिंग टॉप कोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मिल्क चॉकलेट मैंने सब सेक्शंस में डाल लिया है, अब आपको एक ही काम करना है चम्मच लगा के इनको अच्छे से इवन आउट कर लेना है। सो दोस्तों जिस तरीके से बताया था देखिए ये हाफ कप जितना मैंने मिल्क चॉकलेट है वो मेल्ट कर लिया है ओवन में, अब मैं जो ये टॉप कोट है ये मैं मिल्क चॉकलेट से पोर करके उसको फिल कर रही हूँ अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से। सो दोस्तों ये टोटली आप पे डिपेंड है, आप चाहें तो जो हमने फर्स्ट कोटिंग करी थी बॉटम में वो आप चाहें तो टोटली मिल्क चॉकलेट की भी कर सकते हैं अगर आपको मिल्क चॉकलेट पसंद है।
आप चाहें तो मल्टी कलर चॉकलेट भी बना सकते हैं। वो कैसे हो गया, थोड़ा सा हमने स्पून डाला मिल्क चॉकलेट का, थोड़ा सा स्पून उसी में ही हमने ऐड किया डार्क चॉकलेट का, और थोड़ा सा स्पून हमने डाला वाइट चॉकलेट का। तो आपका अल्टीमेटली जो चॉकलेट निकलेगा वो ट्राई कलर वाला मीन्स मल्टी कलर चॉकलेट निकलेगा। सो दोस्तों, ये वाली क्रिएटिविटी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप अपने चॉकलेट्स को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो प्लेन जो मिल्क कंपाउंड होता है चॉकलेट उससे भी बना सकते हैं, प्लेन वाइट मिल्क जो कंपाउंड होता है उससे भी बना सकते हैं। हिसाब ये टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। सो दोस्तों, आपने देख लिया होगा, ये देखिए हल्का हल्का डाल के इस तरीके से आपको चम्मच हल्का सा घुमा लेना है ताकि जो हमारा टॉप कोट है वो अच्छे से इवन आउट हो जाए। सो दोस्तों देखिए, इस तरीके से ये हमारा सेकंड माउल जो है चॉकलेट्स का रेडी हो चुका है। अब इसे भी हम रख लेते हैं सेट होने के लिए 10 to 15 मिनट्स। सो दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे थर्ड मोल्ड पे। उसमें आप देख रहे हैं बॉटम जो है मैंने जो कोट किया है वो है डार्क चॉकलेट कंपाउंड से, और सेकंड जो कोटिंग मैं कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ वाइट चॉकलेट कंपाउंड से। सो इससे क्या होगा, जो हमारा ये चॉकलेट्स बनेंगे वो थोड़े शेडेड में बनेंगे, मीन्स वाइट और ब्राउन शेड। चलिए साहब, अब इसे हम 5 मिनट्स रख लेते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। ये देखिए 5 to 10 मिनट्स बाद ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब वही सेम काम करना है साहब, क्या करना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, जो चॉकलेट फज हमने बनाया था, जो बॉल्स बनाई थी, वो हम पहले डाल लेंगे, देन उसके बाद जो टॉप कोट होगा जो वो हमें करना है चॉकलेट का। चलिए साहब, ये देखिए लास्ट है, इस तरीके से मैंने फज डाल दिया है। अब देन आपको इस तरीके से कवर कर लेना है, ये वाइट चॉकलेट से मैंने कवर किया है। चलिए अब इसे फटाफट हम ठंडा करने फ्रिज में रख देते हैं। सो दोस्तों, यहाँ तक तो बात थी चॉकलेट्स को जमाने की, चलिए अब आइए कर लेते हैं अनमोल्ड। ये देखिए 15 मिनट्स मैंने जस्ट फ्रिज में रखा है, काफ़ी अच्छे से चॉकलेट सेट हो जाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्योंकि हमने सिलिकॉन मोल्ड लिया है, ये देखिए कितने इजीली ये चॉकलेट्स बाहर आ जाते हैं। मगर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने प्लास्टिक के मोल्ड्स में भी चॉकलेट्स बनाए हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। मोल्ड में आप सेट तो इजीली कर लेते हैं चॉकलेट को, मगर जब निकालने की बारी आती है, बाप रे बाप, बहुत ही मुश्किल होता है निकालना। सो आई हाईली रिकमेंड आप ये सिलिकॉन के मोल्ड्स ही यूज़ करें, बिकॉज सिलिकॉन के जो मोल्ड्स हैं इनमें देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम बस पीछे से प्रेस कर रहे हैं ये पूरे फोल्ड हो जाते हैं। बट कि जब हम प्लास्टिक के जब मोल्ड्स यूज़ करते हैं उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो काफ़ी हार्ड होते हैं, इसीलिए उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है चॉकलेट्स को निकालना। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं ये सिलिकॉन मोल्ड्स, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से इजीली बाय कर सकते हैं। आजकल ये बहुत इजीली मार्केट में तो अवेलेबल हैं, प्लस ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सो दोस्तों, इसी तरीके के मार्केट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोल्ड हैं, बहुत बड़े वाले चॉकलेट्स भी आप विद सेम प्रोसीजर बना सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। एंड गाइज, बिलीव मी, ये हार्डली मैक्सिमम मैं आपको कह सकती हूँ 15 मिनट की रेसिपी है। आप बस इसको जमाने का जो टाइम लगता है वो 5 मिनट लगता है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता। सो ये ऐसी क्विक रेसिपी है जो आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड जो भी है यार उनको दीजिए, खुश कीजिए। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए मैंने बटर पेपर पे रख लिया है ताकि अगर थोड़े से मेल्ट भी हों तो ये क्या होएगा, बटर पेपर पे चिपकेंगे नहीं, बट ये जो चॉकलेट कंपाउंड होता है वो इजीली मेल्ट होने वालों में से नहीं होता। आप जिस तरीके से इसे जमाते हैं फिर उसके बाद हल्का सा मॉइस्चर आता है, बट इजीली मेल्ट होने वाले नहीं होते, बट खाने में साफ बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। ये देखिए, ये जो फ्लावर्स हमारे चॉकलेट है ना, उसमें आप चाहें तो ये जो लिक्विड वाइट चॉकलेट होता है, वाइट मिल्क कंपाउंड, वो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप चाहें तो ये जो सेंटर पार्ट है फ्लावर का, उसको आप स्प्रिंकलर से कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो चोको चिप्स यूज़ कर सकते हैं वाइट वाली। सो साहब, क्रिएटिविटी टोटल आपके ऊपर है। मुझे पता है भाई, हमारी लेडीज़ बहुत होशियार हैं, बहुत ही क्रिएटिव होती हैं, एंड यू कैन डू इट वेरी वेल। सो दोस्तों, यहाँ पे पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है, फ्लावर्स में आप इस तरीके से वाइट मिल्क चॉकलेट कंपाउंड डाल सकते हैं। यहाँ तो ये हो गया हमारा सेकंड तरीका, जिसमें आप देख रहे हैं मैं जो मिल्क कंपाउंड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, तब मैं स्प्रिंकलर्स ऐड कर रही हूँ। बिकॉज उससे क्या होगा, जब आपका चॉकलेट कंपाउंड जो मिल्क चॉकलेट कंपाउंड है अगर थोड़ा सा हॉट रहेगा, अगर आप स्प्रिंकलर्स ऐड करते हैं तो वो मिल्क चॉकलेट कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगी, चिपक जाएगी।
सो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं ये ग्रीन कलर की ऐसे राउंड सी स्प्रिंकलर है वो ऐड कर रही हूँ। इस तरीके की फ्लावर वाली स्प्रिंकलर भी मिलती है मार्केट में, सब बहुत अच्छी अच्छी बहुत ही अलग अलग स्टाइल की स्प्रिंकलर्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कोई भी केक जो मटेरियल्स प्रोवाइड करती है उधर आपको बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये मेरा सेकंड मोल है, चलिए फटाफट से इसको भी अनमोल कर लेते हैं। और ये देखिए आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट मोल था मैंने इस तरीके से सजाया है। आप चाहें तो आजकल मार्केट में एडिबल गोल्ड डस्ट भी मिलता है, मींस वो एक टाइप का स्पार्कल होता है जो आप अपने इन चॉकलेट्स के ऊपर ब्रश से जब कोट करेंगे तो आपका जो चॉकलेट है वो गोल्डन कलर का हो जाएगा। हाँ जी साहब, वो बिल्कुल खाने लायक होता है वो डस्ट, एंड उस गोल्डन डस्ट से आपके जो चॉकलेट्स हैं साहब बहुत ही अमेजिंग दिखते हैं। दोस्तों मेरे पास गोल्डन एंड सिल्वर डस्ट ख़त्म हो चुका था, इसीलिए वो चीज़ मैं यहाँ पे कवर अप नहीं कर पाई, इसीलिए मैं आपको भूल के बता रही हूँ। आप चाहें तो जो चॉकलेट्स के शॉप होते हैं मींस जहाँ पे केक की एसेसरीज़ मिलती है वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें स्प्रिंकलर्स एडिबल डस्ट ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। सो दोस्तों देखिए ये मेरा सेकंड मोल्ड है जो कि मैं अनमोल्ड कर रही हूँ, जो कि है हार्ट वाला। देखिए कितना मस्त लग रहा है हमारा हार्ट वाला। सो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये देखिए मैंने ये चॉकलेट को अनमोल्ड किया है, ये थोड़े से जो भी एक्स्ट्रा है वो आप इस तरीके से हाथ लगाएंगे ना तो ईजिली मेल्ट हो जाते हैं, हट जाते हैं और आपका अच्छा सा हार्ट वाला शेप आ जाता है। सो एक्स्ट्राज आप ईजिली रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों इस तरीके से देखिए मैंने सारे चॉकलेट्स को अनमोल्ड कर लिया है। अब बारी आती है हमारी ये स्टार वाले चॉकलेट्स की। ये देखिए कितने मस्त नीचे से वाइट एंड ऊपर से टॉप कोट जो मैंने किया था डार्क चॉकलेट का किया था, देखिए ये शेडेड में भी आ रहा है, कितने अमेजिंग लग रहे हैं, देख रहे हैं आप। सो यहाँ पे ये देखिए मैंने कोशिश करी है थोड़ी आपको क्लोजअप लुक से दिखाने की। ये देखिए कितने अमेजिंग से हमारा चॉकलेट का सेट लग रहा है साहब। सो दोस्तों इस तरीके से आपके चॉकलेट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके बाद आता है चॉकलेट्स को गार्निश करने का, मींस उनका जो टॉप जो हमारा क्रस्ट है चॉकलेट का उनको आप अपने तरीके से सजा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चॉकलेट्स को गार्निश करने के लिए मैंने ले लिया है डार्क चॉकलेट, और मैं यहाँ पे बड़े दो ड्रॉप्स चॉकलेट्स जो चॉकलेट हार्ट है उनके ऊपर डाल रही हूँ। उससे क्या होगा, जो दो ड्रॉप्स आप डालेंगे तो वो लीक होके नीचे गिरेंगे, तो इट विल गिव अ वेरी नाइस लुक टू आर चॉकलेट्स। सो गार्निशिंग दोस्तों आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लाइक सपोज कीजिए आपके मिल्क चॉकलेट्स हैं, मींस वाइट कलर के चॉकलेट हैं, उनको आप डार्क कलर के चॉकलेट्स जो होते हैं उनको मेल्ट करके उससे आप अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। और अगर आपके डार्क कलर के चॉकलेट्स हैं तो आप मिल्क चॉकलेट होता है जो कि वाइट कलर का चॉकलेट होता है उसको मेल्ट करके अच्छे से जो आपके चॉकलेट्स हैं उनको गार्निश कर सकते हैं। लाइक यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे दो बड़े ड्रॉप्स डार्क चॉकलेट के डाले थे जो कि गिर के देखिए इस तरीके से नीचे आ चुके हैं, और ब्रश की हेल्प से मैं उन्हें अच्छे से सेट कर रही हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है, ये देखिए ये मेरे डार्क चॉकलेट्स हैं, इसके ऊपर हल्का सा मैं वाइट चॉकलेट के ड्रॉप्स को इस तरीके से डाल रही हूँ। अब देखिए जो हमारे डार्क चॉकलेट्स हैं वो प्लेन सिर्फ डार्क नहीं दिख रहे बट वाइट विद डार्क ब्राउन कलर के चॉकलेट्स दिख रहे हैं, और जो कि दिखने में लुक्स में काफ़ी अच्छा लगता है। सो इस तरीके के आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं स्पून से डाल रही हूँ, आप चाहें तो एक पाइपिंग बैग ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा वाइट चॉकलेट को फिल करके जो डार्क चॉकलेट्स होते हैं उनके ऊपर अच्छे से अप एंड डाउन करके उनके ऊपर डिज़ाइंस बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे चॉकलेट्स दिखने में लगते हैं रियली। सो दोस्तों ये जो स्टेप है गार्निशिंग का ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मगर आप सादे चॉकलेट्स भी बनाते हैं आपने देखा जैसे कि बहुत ही अमेजिंग लगते हैं इनर फिलिंग, क्योंकि हमने चोको फज की यूज़ करी है, बहुत ही अमेजिंग चॉकलेट्स बनके रेडी होते हैं, खाने में फॉर श्योर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए सिंपल चॉकलेट्स भी कितने अच्छे दिख रहे हैं लुक्स में, और अगर आप चॉकलेट्स को गार्निश करते हैं तो देखिए कितना अमेजिंग लुक्स आ रहा है। सो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको गार्निश करना है, आपको चॉकलेट्स को सिंपल रखना है तभी भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। सो दोस्तों इसी तरीके से देखिए हार्ट के प्लेन चॉकलेट्स से कितने अमेजिंग लग रहे हैं, और इसी तरीके से हमने हार्ट पे ये देखिए इस तरीके से हमने ये लीकिंग वाला जो लुक देना होता है वो दिया है, और अभी तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, मींस जो अभी मैंने आपको चॉकलेट दिखाया उसको हम टॉप कोट करेंगे इस चोको रोल से। मींस ये छोटे छोटे से चोको रोल्स हैं, बड़े मिलते हैं यूजुअली, मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, जो आपकी वाइट मेल्टेड चॉकलेट थी उसमें आपको उसको डिप करके इस तरीके से स्टिक कर
लेना। ये देख रहे हैं आप, वापस वही सेम काम करूँगी, जो चोको रोल है उसको आपने डिप करना है मेल्टेड वाइट चॉकलेट में, एंड देन ये देखिए, और जो भी आपके चॉकलेट्स हैं उनके ऊपर आपको इस तरीके से रख देना है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो आपका वाइट चॉकलेट है वो सूख जाएगा और आपकी ये जो चोको रोल है उसके साथ स्टिक हो जाएगी। सो दोस्तों, इसी तरीके के बहुत अमेजिंग चीज़ें आप अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, लाइक वाइट चॉकलेट में आप ड्राई फ्रूट्स को डिप करके, मींस उनको ड्राई फ्रूट्स को हाफ में डिवाइड करके देन उनको वाइट चॉकलेट में डिप करके वो भी स्टिक कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग दिखते हैं साहब। सो क्रिएटिविटी डिपेंड्स ऑन यू एंड यू आर बेस्ट, आई नो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो दोस्तों, हेयर वी आर डन। देखिए हमारे चॉकलेट्स, अमेजिंग चॉकलेट्स बहुत अच्छे से रेडी हमने कर लिए हैं। अब सब आपने एक ही काम करना है, आपने बॉक्स लाना है, थोड़े से श्रेड्स नीचे डालने हैं, इन चॉकलेट्स को ऊपर रखना है, बटर पेपर से कवर करना है, बॉक्स को कवर करना है, एंड योर अमेजिंग राखी गिफ्ट हैम्पर इज रेडी टू गो। सो दोस्तों, आपको पता है अगर आप मार्केट या ऑनलाइन ये कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स लेते हैं काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, जबकि आप देख रहे होंगे रेसिपी बहुत ही सिंपल है। तो साहब, महंगे शहंगे चॉकलेट्स बाहर से क्यों लेने हैं जब हम घर में ही इतने अमेजिंग चॉकलेट्स बना सकते हैं। सो आइए दोस्तों, इस प्यार के त्यौहार को क्यों ना हम कुछ मीठे से शुरुआत ना करें। आप अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को भी एज अ छोटा सा गिफ्ट हैम्पर करके दे सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। आप बर्थडेज में ये एज अ गिफ्ट हैम्पर दे सकते हैं, और बच्चों को तो इस टाइप के चॉकलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये मेरी छोटी सी मेहनत बहुत ही अच्छी लगी होगी। ज़रूर से ये चॉकलेट्स ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, चोको फज चॉकलेट्स इन्हें कहा जाता है। एंड दोस्तों, टेस्ट की जितनी तारीफ करूँ बहुत ही कम है, सच में आपने ऐसे चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं खाए होंगे। सो दोस्तों, अगर तमारे नू रेसिपी गमे छे तो लाइक ज़रूर करवानू, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप चाहें, अगर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी है, तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ये वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, इसी तरीके की बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, लाइक चॉकलेट फज केक, चॉकलेट लावा केक, चॉकलेट स्विस रोल एंड मैनी मोर। सो ज़रूर से चैनल को विजिट कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स दे दिए हैं इन सब रेसिपीज़ के, आप चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके इन रेसिपीज़ को इन्जॉय कर सकते हैं। सो दोस्तों, इट्स टाइम टू से बाय बाय नाउ, मिलती हूँ ऐसी ही कोई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप रहिए मुझसे कनेक्टेड, एंड रहिए स्टे ब्लिस full and stay healthy।